बिहार में ऐतिहासिक बैठक होने से पहले पटना में पोस्टर वार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देवदास से तुलना की गई। एक्टर शाहरुख खान की फिल्म देवदास से राहुल की तुलना करते हुए पोस्टर में शाहरुख खान को भी दिखाया गया और उनकी फिल्म का डायलॉग लिखा गया। इसके बाद उसी डायलॉग के तर्ज पर राहुल गांधी पर तंज कसा गया और लिखा गया, ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी राहुल राजनीति छोड़ दो। बीजेपी के इस पोस्टर में शाहरुख खान की तस्वीर के साथ लिखा है रियल लाइफ देवदास और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है रियल लाइफ देवदास। विपक्ष की बैठक के लिए सबसे पहले महबूबा मुफ्ती पहुंचती हैं, फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है पोस्टर। तरह तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। प्रदेश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर ये जो पोस्टर आज लगाया गया है उसका थीम क्या है? देवदास। एक तरफ शाहरुख खान हैं जिन्होंने देवदास का किरदार निभाया था और दूसरी तरफ हैं रियल लाइफ देवदास। यानी बताया गया है कि शाहरुख खान ये रियल लाइफ देवदास हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को रियल लाइफ देवदास के रूप में यहाँ पर दिखलाया गया है। शाहरुख खान के लिए लिखा गया है जो उनका डायलॉग था, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो लिखा गया है, ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो, वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी राहुल राजनीति छोड़ दो। इस तरह से ये जो कटाक्ष है और ये तमाम तरह के, कोई राम की संज्ञा, किसी को रावण की संज्ञा, हर रोज नए नए पोस्टर सामने आ रहे हैं। कुछ राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर, कुछ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर, कुछ अलग अलग चौक चौराहों पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर ही ये जो ठग्स ऑफ इंडिया, इसकी कल चर्चा हुई कि जिसे कहा गया कि ये भाजपा मुक्त भारत अभियान है, लेकिन भाजपा ने कहा कि ये ठग्स ऑफ इंडिया का परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों में का महासम्मेलन है। और उसी तरह से आज निशाने पर हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी को रियल लाइफ देवदास की संज्ञा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। बीजेपी विरोधी दलों के बैठक का मुख्य एजेंडा है 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। बैठक के लिए ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती, दीपांकर भट्टाचार्य, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता पटना पहुंचे। इधर विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी की भी पैनी नजर रही। बीजेपी के नेता जहां इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रहे हैं, वहीं लगातार हर पार्टी पोस्टर जारी करके अपनी अपनी बात कहने की कोशिशों में लगी है।